है तेरा? सौरभ। हाँ सौरभ, रात क्या हुआ था? कल रात जब बल्लेपुरी में झगड़ा हुआ था, मतलब मैं खड़ा था पीछे चाव में, मेरा फौज जेब में से निकाल लिया। किन लोगों ने? धर्मशाला ही बात है, आज गेट की। हाँ झगड़ा किस बात को लेके हुआ था? झगड़ा के साथ अपनी टाटा ले जा रहे थे तो उन्होंने रोक लिया था शराब पी के। फिर तो मारपीट भी हुई थी? मारपीट हुई। तो कुछ पता चला चला कि उन्होंने मारा किन? तो बराती है। तो बराती थे, कहाँ से आई थी बरात? कुछ पता? बरात न। तो तेरा भी मोबाइल छीना है? हाँ। और चोटें किन किन के आई हैं? चोट तीन जनों की आई है, अंकित भाई के, एक रवि है, एक पता चिंटू। कहाँ रहते हैं ये? अभी रहते हैं बल्लभपुरी में। झगड़ा लगभग क्या बजे हुआ था? ऐसा हुआ 12 बजे से कुछ पहले हुआ था। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार है। हाँ अतुल, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। और भाई क्या करते हैं? भाई डीजे का काम करता है। क्या नाम है उनका? अंकित। हाँ मेरे दो छोटे भाई और भी हैं, रवि और चिंटू। तो क्या हुआ था रात? रात ऐसा था, अंकित कट्टई से डीजे चला के गाड़ी लेके अपने आ रहा था, रास्ते में अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में बारात वाले और डीजे वाले मिल गए थे दूसरे, और उन्होंने गाड़ी हमारी रोक ली और कह रहे थे तू डीजे चला। हाँ उन्होंने कह दिया कि अंकित ने और मेरे छोटे भाइयों ने, उन्होंने कह दिया कि टाइम ओवर हो गया, डीजे अब नहीं चलेगा, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम अपने डीजे बैंकट में डांस करो। उन्होंने वो लोग सब इकट्ठे हुए और गाड़ी को खोल लिया और हमारे भाई के और छोटे भाइयों के साथ मारपीट करी, और जिसमें काफ़ी गंभीर चोट आई है। दो भाई हमारे घायल हो चुके हैं, इनके सिर में खून निकले हुए हैं, और उसके बाद तीन मोबाइल गाड़ी पैसे, तीन मोबाइल लिए, और डीजे की पेमेंट लगभग 8-10-12 हज़ार रुपए थे, वो सब गाड़ी पैसे लूट ले गए। कौन लोग थे जो मारपीट करना? तो बारात आई थी कन्नौज से, यहाँ पे सुनील नाम के हैं, सुनील पिताजी का नाम नहीं मालूम, विकसित इंटर कॉलेज के पास में रहते हैं, उनके यहाँ पे आई थी और उन्हीं के रिश्तेदार हैं जिन्होंने मारपीट करी। तो पुलिस ने पहुंच गई थी मौके पर? वहाँ पुलिस मौके पर पहुंची थी, पुलिस ने उन्होंने गिरफ्तार करे थे, लेकिन वहाँ पर कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है वहाँ पर? सिर्फ उधर से 2 लोग हैं हमारी तरफ से, हमारे जिनकी जो घायल हुए हैं उन्हें ही गिरफ्तार करके चालान कर दिया गया है।